नाजरीन, इस वक्त दारुल कज़ा के मामले को उछाल कर मीडिया पूरे जोरों शोर से फैला रहा है। हालांकि अगर नफरत की सियासत को थोड़ी देर के लिए रोक कर मसले को समझने की कोशिश की जाए तो समझना बिल्कुल आसान है, और अगर आदमी समझना ही न चाहे तो फिर इंसान और पत्थर से बात करने में कोई फर्क नहीं। हमें खूब अच्छी तरह से इस बात को समझना चाहिए कि यह दारुल कज़ा हिंदुस्तानी अदलिया के बिलमुकाबिल कोई मुतवाजी अपोनेंट अदालत नहीं है, बल्कि यह अदालत के लिए सबसे बड़ा मुआविन है। यह अदलिया के बाहर मामलात आपसी भाईचारे के साथ हल करने का एक मुनासिब तरीका है, जिसकी अदालत आलिया सुप्रीम कोर्ट भी इजाजत दे चुका है। 2014 में दर्ज की गई एक पिटीशन को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि यह मुतवाजी यानी अपोनेंट अदालत नहीं है, बल्कि अदलिया के बाहर मामलात हल करने का एक आसान तरीका है। इनके फैसलों की कानूनी हैसियत नहीं होती, इसलिए उन पर पाबंदी नहीं लगा सकते। तो नाज़रीन, इसका मतलब दारुल कज़ा ये शरिया कोर्ट नहीं है। इनका काम तो लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़े को खत्म करके आपस में सुलह करना है। यहां क्रिमिनल मामला हल नहीं किए जाते, यहां हिंदुस्तान की अदालत का एहतराम करते हुए उसके दायरे में रहकर ही काम किया जाता है, और हमारा कानूनी निजाम भी यही चाहता है कि मामलात उनके पास आने से पहले ही आपस में हल हो जाए, इसलिए कि पहले से ही उन पर इतना ज्यादा बोझ है कि वो नहीं चाहते कि इसमें और इजाफा हो। इससे पहले हमारे खुसूसी प्रोग्राम सच्ची बात में ये मौजू जेर बहस रह चुका है, उस मौजू पर गुफ्तगू हो चुकी है कि इस वक्त अदालतों में मुकदमात की क्या हालत है। सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट की एक मिसाल इसके लिए काफी है कि वहां इस वक्त इतने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं कि अगर हर एक केस को हल करने के लिए सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगाया जाए और 24 घंटे इसको हल करने के लिए अदालत खुली रहे तो तमाम केसेस को हल करने में 400 साल लग जाएंगे। यानी 24 घंटे अदालतों में समाज जारी रहे तो इन तमाम केसेस को हल करने में 4 सदियां लगेगी। ये दिल्ली हाई कोर्ट की रिपोर्ट है, ये मसला हर जगह का है। तो अदालतें नहीं चाहती कि हर छोटी चीज अदालत तक आए, तो दारुल कज़ा क्या करना चाहता है? दारुल कज़ा ये करना चाहता है कि अदालत से पहले ही मोहब्बत से मसला हल किया जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो, खून खराबा ना हो, दुश्मनियां ना बढ़े। फर्क सिर्फ इतना है कि मुसलमानों के दरमियान होता है, और भी सिर्फ बात सिविल केसेस में, ताकि कोर्ट पर बोझ ना हो, वरना अगर हर मसला कोर्ट चला जाए तो दुश्वारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ये तो मीडिया की शरारत और उसका खेल है कि इस मौजू को जबरदस्ती उछाल कर नेगेटिव रुख देकर नफरत के बाजार को गर्म करना चाहता है। इस मौके पर मैं अपने तमाम भाइयों से यह कहना चाहूंगा कि पूरी हिकमत अमली से इस मसले को हल करें, होश को जोश पर गालिब रखें, और अपने कायदीन की बातों पर अमल करते हुए इत्तिहाद का असल सबक कभी न भूलें। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस शर को जो पेश किया जा रहा है, इस मामले को जिस तरह गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है, उसको उछालने की कोशिश की जा रही है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इससे कोई जरूर भी जरूर खैर का पहलू निकालेगा। अल्लाह हम सब का हामी और मददगार हो।